गाइस आपके भाई ने बाल भी सुखा लिए हैं और अभी थोड़ी देर में चलते हैं, फिर आपको व्लॉग में दिखाएंगे क्या किया। क्या तो उतार दे, मिलो अंकल से तो मिलो ना। चलो ये वगैरह चलो, अभी हम डॉक्टर के साथ जा रहे हैं। चल चल चल, ये देखो ये पेय बने हैं, ये रोटियां हम ना एक ही सिर्फ देते हैं, ये इससे ठंडी हो जाती है रोटियां, फिर बाद में हम कहते हैं जिसको जरूरत है मांग लेते हैं सादा रोटी जो भी चाहिए। उधर जाके बच्चों को देना है, हाँ उन्होंने देने हैं। अब आपने पता क्या, चलो आगे उनको देना, एक दोस्त है नाम। चलो उसको हाथ पे, सर पे हाथ रखो तो अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। वो भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं, तो वैसे दोस्त है, वैसे दोस्त है उसके हैं। मोहम्मद कितने दोस्त बनाए हैं स्कूल में, पढ़ता है अभी मदरसे में है, कितने दोस्त बनाए हैं मदरसे में? पाँच छः दोस्त बना लिए इतने जल्दी। आगे स्कूल जाता है? अच्छा नहीं जाता। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। कौन सी क्लास में? वदूद। कौन सी क्लास में है वदूद? दूसरी में। क्या नाम है इनका? कहाँ से आए हैं ये? अच्छा तो वहाँ पे इनको जो ब्लड वगैरह ये उधर नहीं मिलता सहूलत इसकी, अरेंज नहीं है, तो आप उधर से सफ़र करते हो? कितने घंटे का सफ़र है? चार घंटे का सफ़र है। और कब, वीक में कब आते हो? मतलब आप वैसे करें 15 दिन बाद आना पड़ेगा, और ये आपसे कोई चार्ज करते हैं इसका ब्लड का, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। बच्चे को ब्लड लगा हुआ है इस तरह, ये देखिए इस बच्चे को ब्लड लगा हुआ है। आपका कौन सा है ब्लड? बी नेगेटिव। ये रेयर ब्लड है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कहाँ से आए हो आप? जेलम से। इधर कितना टाइम लगता है आपको आने में? 4.5 घंटे। और हर 15 दिन बाद आप आते हो, और दवाइयाँ भी आप ले रहे हो साथ इसके? जी जी। कितने की आपकी दवाइयाँ पड़ती हैं? वैसे दवाइयाँ महंगी हैं, पर इधर चलने पर ही होती। अच्छा ये हमने ली थी 5 लाख रुपए की मशीन, ये हमें यूनिवर्सिटी वाले ने इसी तरह पैसे इकट्ठे करके लिए थे, ये भी 5-6 लाख की दफा, ये 50-50 हज़ार रुपये का टेस्ट होगा। अच्छा ये बहुत महंगी कितनी होती है जो लेनी है, उससे ज़्यादा फिर ये ब्लड बैग है खाली, ये मैंने बताया ना 700 रुपये का एक बैग आ रहा है। क्या चीज़? बैंक। बैग हाँ, वो 600 का पैक है ना? नहीं 680 का। 680 का एक बैग ना, 680 का आता है। ठीक है सही है। असल चीज़ तो ब्लड बैग चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ज़रा हमें ना थैलेसीमिया के बारे में क्लियर कर दें कि क्या चीज़ है और हम किस तरह इसमें अपनी मदद जो है इनकी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुनील लाली, सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर, डीएचक्यू हॉस्पिटल सिलोड़ा। ऐसा कि आपने देखा होगा आज बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तकरीबन 35 से 40 बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रही है। यहाँ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को ब्लड चाहिए होता है,
वो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कैंपिंग लगाते हैं, दोस्तों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ, देखें इन बच्चों की ज़िंदगी चिराग रोशन करने में हमारी मदद करें। सिर्फ ब्लड ही नहीं है, जब हम ब्लड का कोई अरेंज करते हैं हमें ब्लड बैगों की बड़ी क्लियर होती है। इस वक्त 700 का एक ब्लड बैग मिल रहा है, उसके बाद किटने चाहिए होते हैं जिसकी स्क्रीनिंग करनी होती है। तो टू मच प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है बच्चों के लिए, वो बच्चे हैं जो जिंदा रह के भी जिंदगी भीख मांग रहे हैं, जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मुखिया साहब से, वो आएँ, देखें, अपने हाथ से ब्लड बैग ले दें, किटने ले के दें, जो मेडिसिन वगैरह वो ले के दें। हम नहीं कहते कि हमें कोई पैसे दे दें, इन बच्चों के जो मसाइल हैं वो आप खुद अपने हाथों से हल करें। दूसरा, इन बच्चों को देखें, विजिट करें। ये वो बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है, और ब्लड के साथ साथ तो ब्लड के साथ आयरन फुलाज जो होता है वो उसकी ज्यादती होती है, उसकी मेडिसिन टू मच कास्टली है। एक डिब्बे जो 30 दिन की है वो 10,000 की है। बाद बच्चों को 2 टैबलेट चाहिए होती हैं डेली की, तकरीबन उनको 20-22 हज़ार रुपये की मेडिसिन पड़ती है ब्लड लिस्ट के अलावा। और इनके जो टेस्ट होते हैं, आयरन का टेस्ट होता है, CBC होती है, भी ये अलग चीज़ें हैं स्क्रीनिंग वगैरह के। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह कि एक अवेयरनेस, ये बच्चे पैदा ही क्यों हो गए, इस उनका हल क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त 5 से 6 हज़ार बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो रहा है हर साल। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त थैलेसीमिया के पाकिस्तान में हैं, और तकरीबन 1,50,000 के करीब बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। तो ये कोई हल नहीं है कि हम इसको ब्लड लगाते रहें और 17-18 साल के बाद ये बच्चे एक्सपायर हो जाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से भी और आप लोगों के तरफ से भी, ये कहना चाहता हूँ कि कपल की शादी जब होती है, कपल को चाहिए कि अपना पहले टेस्ट करा लें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का, मेल और फीमेल दोनों। अगर दोनों नहीं करवाते काम तो एक जरूर कराएं, अगर एक क्लियर है तो दूसरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों कैरियर हैं थैलेसीमिया के तो आप उसमें शादी मत करें, क्योंकि ये जो बच्चे थैलेसीमिया के हैं ये बाई बर्थ बीमारी है। तो इसलिए कोशिश करें कि शादी से पहले कपल को चाहिए कि वो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। ये 7-8 हज़ार रुपये का टेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आप आएँ और अपना टेस्ट जरूर कराएँ। आप लोग का बहुत शुक्रिया।